गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास फोर्थ का जो है मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर दो जो है आपको शुरू करने जा रहा हूँ। बच्चों, पहले आपका जो फर्स्ट क्लास में जो था, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था का रिवीजन था, जो मैंने आपको सभी करवा दिया था। आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से उस शब्द को समझ गए होंगे। बच्चों, मैं इस क्लास में आपको करवाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स जो है चैप्टर टू में। पहला चीज़ जानने जरिए हुई बेसिक चीज़ क्या है आपको जानना है कि डिजिट क्या है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड डिजिट होता है। अब बच्चों, जो न्यूमरल्स है उसको हम एनी न्यूमरल्स, अब बच्चों देखें कि एनी न्यूमरल्स ऑफ ऑफ एनी डिजिट इन रिटन इन द टू वे का न्यूमरल का था। एनी न्यूमरल्स ऑफ एनी डिजिट इज रिटन इन इन टू वे। पहला होता है इंडियन सिस्टम में होता है, दूसरा आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है। बच्चों, मैं आपको इंडियन सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। इंडियन सिस्टम जो हमारा जो होता है कहाँ, इंडिया में यूज होता और अरेबिक कंट्रियों में यूज होता है। तो बच्चों, यहाँ आप देखेंगे पीरियड्स, पीरियड हमारा क्या है, करोर है, तो लाख होता है, थाउजेंड्स एंड वन। बच्चों, इंडियंस में हम क्या करते हैं, पीरियड से शुरुआत करते हैं, करोड़ से, लाख से, थाउजेंड्स एंड वन, मैंने क्या होता है, वंस, थाउजेंड्स, लाख्स एंड करोड़ से शुरू होता है, मैंने पीरियड्स ही शुरू होते हैं। इसका जो है करोड़ के बाद क्या होता है, अरब, अरब के बाद क्या, खरब, खरब के बाद जो है नील। तो इस तरह करके आपका पीरियड हमारा बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ ध्यान दें कि इंडियन सिस्टम में जो फर्स्ट पीरियड होता है वंस, उसमें थ्री डिजिट होते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड होते हैं, और बाकी दो थाउजेंड्स हैं। इसके बाद के जो पीरियड्स हैं उसमें टू डिजिट होते हैं, वंस, टेंस, वंस, टेंस, यानी टू डिजिट होंगे। करोड़ में भी टू डिजिट होगा, और अरब में भी दो डिजिट होगा, खरब में भी टू डिजिट होंगे। माने हमारे क्या होता है, फर्स्ट पीरियड में हमारे क्या होता है, थ्री डिजिट होता है, बाकी उसके बाद जो है आपका पीरियड्स होंगे उसमें टू टू डिजिट होंगे। अब बच्चों, मैं यहाँ नंबर, एक नंबर लेके इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए बता रहा हूँ। जैसे नंबर से 80 5 5 4 6 2 5 0 8 है भाई। देखिए यहाँ हम क्या कह रहे हैं, वंस पीरियड को हम क्या करेंगे, तीन डिजिट होते हैं, उस बाद हम कोमा देंगे, उस वक्त 52 लिखेंगे, उस बाद कोमा देंगे 18 लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट पीरियड में थ्री डिजिट होगा, तो फर्स्ट पीरियड में थ्री लिखेंगे, उस बाद दो दो डिजिट के बाद हम जो है कोमा देंगे या स्पेस देंगे। ये नंबर हमको लिखने के लिए हैं। अब बच्चों, इसको वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ वंस, थाउजेंड, लाख आपका, यानी बच्चों यहाँ पढ़ने के लिए है 80 लाख्स, 52,645 इसको पढ़ेंगे। तो इसको कैसे वर्ड्स में लिखना है आप लोग समझ गए। अब बच्चों, हम चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। पीरियड, पीरियड में हमारे क्या आते हैं, वंस, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियंस आते हैं। बिलियन के बाद क्या होता है, ट्रिलियंस आते हैं बच्चों। अब हम यहाँ देखें कि वंस डिजिट में भी हमारे कितना, तीन डिजिट आते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, उस पर थाउजेंड्स हैं उसमें भी तीन डिजिट आएंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स आते हैं। तो बच्चों यहाँ आप जान गए, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स आपका आएंगे यहाँ, यानी क्या है, हमेशा जो है इंटरनेशनल सिस्टम में जो है थ्री, ईच पीरियड में आपका जो है थ्री डिजिट्स आते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। थाउजेंड्स में वंस, टेंस एंड हंड्रेड, मिलियन में भी वंस, टेंस एंड हंड्रेड, बिलियन में भी हमारे कितने आएंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स आएंगे बच्चों। तो इसको आप जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कैसे हमको लिखना है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड आपका जो है आएंगे। अब यहाँ आपको समझना है कि इसको कैसे नंबर को हम लिखना है। जैसे बच्चों यहाँ हम आपको दिखाए हैं, 1, 2, 5 है, 6, 2, 5 है, 7, 2, 1 है, यह नंबर्स मैंने पीरियड में लिख दिया है। अब इसको कैसे नंबर्स लिखना है, तो पहला देखिए 1, 2, 1s, वंस पीरियड में है, फिर उसके बाद कोमा देंगे, फिर थ्री डिजिट होगा, 5, 2, 6 यानी थाउजेंड्स पीरियड में आ जाएंगे, 5, 2, 1s एक जो है मिलियन पीरियड में आएंगे। तो बच्चों इसको समझ गए हैं कि कैसे ही नंबर्स को हम लिखते हैं इंटरनेशनल। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, तो आप यहाँ देखो 125 क्या पढ़ेंगे, 120 25, उस वक्त पीरियड आप लिखेंगे मिलियन है तो मिलियन पीरियड लिखेंगे, 625 लिखें, 625,
उस वक्त क्या क्या 25, उस वक्त क्या लिखेंगे, पीरियड 1000 है तो 1000 पीरियड को लिखेंगे, उस वक्त 721 लिखेंगे, 721। तो बच्चों इसको समझ गए हैं कि कैसे हम द इंटरनेशनल में नंबर्स को लिखते हैं और उसको कैसे हम वर्ड्स में लिखते हैं। तो बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अब बच्चों यहाँ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द एबकस में कैसे लिखते हैं, जैसे करोड़ है, यह एबकस में जो हम यहाँ गोटी रहते हैं उसको करके लिखा हुआ है, आप इसको समझ लें। तो यहाँ करोड़ में बच्चों यहाँ कितना है, 1 2 3 है तो 6 लिख देंगे, 1 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 2 3 है, 1 2 3 है तो 3 लिख देंगे, 0 कितना, 1 2 3 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। बच्चों इसको समझ गए होंगे, यह अबकस सिस्टम है जो काउंटिंग नंबर में यूज होता है, यानी 60 कैसे लिखें, 60 63 33 43 83, इसको हम नंबर्स में कैसे लिखें बच्चों, 62 करोड़, 33 लाख, 43 थाउजेंड, 312, इस तरह इसको हम नंबर्स में लिखेंगे। बच्चों कुछ आप जो है इसको जो है आप याद रखेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी 10 1s इजकल टू 1 10s होता है, 10 10s इजकल टू 100 होता है, 10 100 इक्वल टू 1000 होता है, 10 10000 इजकल 100000 है, 1000 कहें या 1 लाख कहें, 10 10 लाख इजकल टू 100 लाख यानी 1 करोड़ होता है, 100 1s इजकल टू 100, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो बच्चों इसको याद रखेंगे, फिर बच्चों हमें नेक्स्ट क्लास में जो है इससे संबंधित जो एक्सरसाइज करवाऊंगा, आप अगर समझ गए हो तो एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। ओके थैंक्स।